अगर आप CUT का एप्लीकेशन फॉर्म मिस कर चुके हैं तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको शायद पता ना हो, इंडिया के अंदर मोर देन 400 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। CUET को इम्प्लीमेंट करने का एक रीजन ये था कि यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एक सिंगल एडमिशन पोर्टल क्रिएट करा जाए, जिसके थ्रू एक ही स्कोर से सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सके। लेकिन NTA ने इसको ओपन टू ऑल कर दिया, जिसकी वजह से इसमें काफी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अगर आपका इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का टाइम पीरियड ओवर हो चुका है तो आज की डेट में भी आपके पास 400 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। आपकी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, उस स्टेट के अंदर आने वाली जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेडलाइन आपको सर्च करनी है, और अगर वहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं तो आप आज की डेट में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आज भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर मोर देन 2000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शन है यार, बहुत सारे ऑप्शन। अगर CUET का एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो गया है तो ज्यादा पैनिक मत करो। दिल्ली के बारे में बात करूं तो IP यूनिवर्सिटी के आज के डेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। 31 मई इज लास्ट डेट। DSU के भी फॉर्म आना बाकी है और NSUT, DTU इनके भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे। कुल मिला के बात यह है कि CUET ओवर हो जाने से आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, या फिर सिर्फ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपके पास मोर देन 400 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। तो आप किस प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।